अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल ड्रामा से कुछ अनकही की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल के चीज़ से भरपूर होने वाली है। आज के डे में आपको ड्रामा से कुछ अनकही की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से कुछ अनकही की स्टोरी अब नाज़रीन नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे कि अब जो आलिया है वो यही चाह रही है अपनी बहन के लिए कुछ स्टैंड ले, क्योंकि वो उसकी बहन जो है वो सामिया कुछ बोलती ही नहीं है, वो बिल्कुल चुपचाप खामोश है और जैसे उसकी वालदा कह रही है वैसे ही कर रही है। यानी सैफ से शादी करने के लिए राजी भी हो गई है, मेहंदी का फंक्शन तो हो गया है, लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा मसला आ गया है। यानी कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से जो सामिया के वालिद हैं बड़ी टेंशन में आ गए हैं, जिसके बाद सामिया अपने वालिद के पास आती है, यही कहती है कि प्लीज़ आप किसी से कुछ मत कीजिएगा कहिएगा, क्योंकि इस तरह से घर में और मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। सामिया ये जानती है कि उसकी वालदा शादी करना चाहती है, अगर उसे कुछ इस सिचुएशन बन गई तो उसकी वालदा कुछ कलकला को हो ना जाए, इसी वजह से बेचारी चुप और खामोश है। लेकिन आलिया इस बात पर बिल्कुल भी खामोश नहीं रहेगी, जिसके बाद आलिया यही कहेगी सामिया से कि सामिया तुम्हें क्या हो गया है, मुझे पता है कि तुम किसी से कुछ नहीं कहो, कम से कम मुझे तो बता दो। लेकिन सामिया यही कहेगी कि इज्जत का सवाल है और अगर ये सब कुछ हो गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, मैं इस तरह से नहीं चाहती कि हमारे पेरेंट्स की जो इज्जत है वो खाक में मिल जाए। जिसके बाद सामिया की वालदा भी यही कहते हैं आलिया से कि आलिया तुम्हें सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आलिया अपने वालदा से यही कहती है कि अम्मी आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा, सामिया ना कुछ बोलेगी, अगर उसका गलत भी हो गया ना वो कभी किसी से कुछ शिकायत करेगी और ना ही अपने लिए कुछ बोल पाएगी, इसलिए हमें उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। जिसके बाद सामिया के वालिद बड़े टेंशन में आ जाएंगे, वो ये सब कुछ बात करने के लिए अपने दोस्त से बात करेंगे इस बारे में, यही कहेंगे अगर जान जाती है फिर इज्जत जाती है, तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ आलिया बहुत परेशान हो गई है अपनी बहन सामिया के लिए, क्योंकि सामिया ये सब कुछ कहना ही नहीं चाह रही, लेकिन सामिया एट दी एंड सैफ को फ़ोन करे हुए यही चाहे कहेगी कि तुम आखिर क्या कहते हो, तुम्हारी मर्जी इसमें शामिल है कि नहीं शामिल, मुझे खुलकर तुम बता दो। एट दी एंड नासिन आप देखेंगे सैफ भी अपनी मर्जी बता देगा सामिया को, जबकि दूसरी तरफ सामिया के वालदों को सब यही कह रहे हैं कि तुम अपने बेटे की ज़िंदगी में बर्बादी और परेशानियाँ लाई जा रही हो, उसके जरिए सुरंगें भरी जा रही हो, इस तरह से अगर तुम करोगी तो कभी भी आबाद नहीं रह पाएगी, ये सब कुछ सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। सामिया के वालदा यही कहेंगी अगर हमने शादी से पीछे हटे यानी हमने शादी ख़त्म करने की कोशिश की तो सब लोग हम पे ही गलतियाँ उठाएंगे, हम लोग हम पे ही उंगलियाँ उठाएंगे, यही कहेंगे कि हमें गलत है, हमारी इज्जत पर आँच आएगी, मेरी बेटी की इज्जत पर आँच आएगी, इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं चाहती। लेकिन ये सब कुछ सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे सामिया के वालदा और उनको अचानक से बेहोशी हो जाएगी, यानी बेहोशी के आलम में वो चले जाएंगे, उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। ड्रामा से कुछ अनकही नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है ड्रामा, आपको ड्रामा से कुछ अनकही में जो सानिया है सामिया की शादी सैफ से हो जानी चाहिए, आपने अपनी किन तरह का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपसे अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माई चैनल ड्रामा से कुछ अनकही की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल के चीज़ से भरपूर होने वाली है। आज के डे में आपको ड्रामा से कुछ अनकही की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से कुछ अनकही की स्टोरी अब नाज़रीन नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे कि अब जो आलिया है वो यही चाह रही है अपनी बहन के लिए कुछ स्टैंड ले, क्योंकि वो उसकी बहन जो है वो सामिया कुछ बोलती ही नहीं है, वो बिल्कुल चुपचाप खामोश है और जैसे उसकी वालदा कह रही है वैसे ही कर रही है। यानी सैफ से शादी करने के लिए राजी भी हो गई है, मेहंदी का फंक्शन तो हो गया है, लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा मसला आ गया है। यानी कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से जो सामिया के वालिद हैं बड़े टेंशन में आ गए हैं, जिसके बाद सामिया अपने वालिद के पास आती है, यही कहती है कि प्लीज़ आप किसी से कुछ मत कीजिएगा कहिएगा, क्योंकि इस तरह से घर में और मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। सामिया ये जानती है कि उसकी वालदा शादी करना चाहती है, अगर उसे कुछ इस सिचुएशन बन गई तो उसकी वालदा कुछ कलकला को हो ना जाए, इसी वजह से बेचारी चुप और खामोश है। लेकिन आलिया इस बात पर बिल्कुल भी खामोश नहीं रहेगी, जिसके बाद आलिया यही कहेगी सामिया से कि सामिया तुम्हें क्या हो गया है, मुझे पता है कि तुम किसी से कुछ नहीं कहो, कम से कम मुझे तो बता दो। लेकिन सामिया यही कहेगी कि इज्जत का सवाल है और अगर ये सब कुछ हो गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, मैं इस तरह से नहीं चाहती कि हमारे पेरेंट्स की जो इज्जत है वो खाक में मिल जाए। जिसके बाद सामिया की वालदा भी यही कहती हैं आलिया से कि आलिया तुम्हें सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आलिया अपने वालदा से यही कहती है कि अम्मी आप लोगों को समझ
क्यों नहीं आ रहा, सामिया ना कुछ बोलेगी, अगर उसे वो गलत भी हो गया ना वो कभी किसी से कुछ शिकायत करेगी और ना ही अपने लिए कुछ बोल पाएगी, इसीलिए हमें उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। जिसके बाद सामिया के वालिद बड़े टेंशन में आ जाएंगे, वो ये सब कुछ बात करने के लिए अपने दोस्त से बात करेंगे इस बारे में, यही कहेंगे अगर जान जाती है फिर इज्जत जाती है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ आलिया बहुत परेशान हो गई है अपनी बहन सामिया के लिए, क्योंकि सामिया ये सब कुछ कहना ही नहीं चाह रही, लेकिन सामिया एट दी एंड सैफ को फोन करे हुए यही चाहे कहेगी कि तुम आखिर क्या कहते हो, तुम्हारी मर्जी इसमें शामिल है कि नहीं शामिल, मुझे खुलकर तुम बता दो। एट दी एंड नासिन आप देखेंगे सैफ भी अपनी मर्जी बता देगा सामिया को। जबकि दूसरी तरफ सामिया के वालदों को सब यही कह रहे हैं कि तुम अपनी बेटी की जिंदगी में बर्बादी और परेशानियां लाई जा रही हो, उसके जरिए सुरंगें भरी जा रही हो, उस तरह से अगर तुम करोगे तो वो कभी भी आबाद नहीं रह पाएगी, ये सब कुछ सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। सामिया के वालदों यही कहेंगी अगर हमने शादी से पीछे हटे यानी हमने शादी खत्म करने की कोशिश की तो सब लोग हम पे ही गलतियां उठाएंगे, सब हम लोग हम पे ही उंगलियां उठाएंगे, यही कहेंगे कि हमें गलत है, हमारी इज्जत पे आंच आएगी, मेरी बेटी की इज्जत पे आंच आएगी, इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं चाहती। लेकिन ये सब कुछ सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे सामिया के वालदा, और उनको अचानक से बेहोशी हो जाएगी, यानी बेहोशी के आलम में वो चले जाएंगे, उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। ड्रामा से कुछ अन कहीं नाजन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है ड्रामा, आपको ड्रामा से कुछ अन कहीं में जो सानिया है सामिया की शादी सैफ से हो जानी चाहिए, आपने अपनी किन तरह का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माई चैनल। ड्रामा से कुछ अन कही कि नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल के ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से कुछ अन कही कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ, तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से कुछ अन कही की स्टोरी अब नाज़रीन नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे कि अब जो आलिया है वो यही चाह रही है अपनी बहन के लिए कुछ स्टैंड ले, क्योंकि वो उसकी बहन जो है वो सामिया कुछ बोलती ही नहीं है, वो बिल्कुल चुपचाप खामोश है और जैसे उसकी वालदा कह रही है वैसे ही कर रही है, यानी सैफ से शादी करने के लिए राजी भी हो गई है। मेहंदी का फंक्शन तो हो गया है लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा मसला आ गया है, यानी कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से जो सामिया के वालिद हैं बड़ी टेंशन में आ गए हैं। जिसके बाद सामिया अपने वालिद के पास आती है, यही कहती है कि प्लीज़ आप किसी से कुछ मत कीजिएगा कहिएगा, क्योंकि इस तरह से घर में और मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। सामिया ये जानती है कि उसकी वालदा शादी करना चाहती है, अगर उसे कुछ इस सिचुएशन बन गई तो उसकी वालदा कुछ कल तला को हो ना जाए, इसी वजह से बेचारी चुप और खामोश है। लेकिन आलिया इस बात पर बिल्कुल भी खामोश नहीं रहेगी, जिसके बाद आलिया यही कहेगी सामिया से कि सामिया तुम्हें क्या हो गया है, मुझे पता है कि तुम किसी से कुछ नहीं कहो, कम से कम मुझे तो बता दो। लेकिन सामिया यही कहेगी कि इज्जत का सवाल है और अगर ये सब कुछ हो गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, मैं इस तरह से नहीं चाहती कि हमारे पेरेंट्स की जो इज्जत है वो खाक में मिल जाए। जिसके बाद सामिया की वालदा भी यही कहते हैं आलिया से कि आलिया तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आलिया अपने वालदा से यही कहती है कि अम्मी आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा, सामिया ना कुछ बोलेगी, अगर उसे वो गलत भी हो गया ना वो कभी किसी से कुछ शिकायत करेगी और ना ही अपने लिए कुछ बोल पाएगी, इसलिए हमें उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। जिसके बाद सामिया के वालिद बड़े टेंशन में आ जाएंगे, वो ये सब कुछ बात करने के लिए अपने दोस्त से बात करेंगे इस बारे में, यही कहेंगे अगर जान जाती है फिर इज्जत जाती है, जरूर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ आलिया बहुत परेशान हो गई है अपनी बहन सामिया के लिए, क्योंकि सामिया ये सब कुछ कहना ही नहीं चाह रही, लेकिन सामिया एट दी एंड सैफ को फ़ोन करे हुए यही चाहे कहेगी कि तुम आखिर क्या कहते हो, तुम्हारी मर्जी इसमें शामिल है कि नहीं शामिल, मुझे खुलकर तुम बता दो। एट दी एंड नासिन आप देखेंगे सैफ भी अपनी मर्जी बता देगा सामिया को। जबकि दूसरी तरफ सामिया के वालदों को सब यही कह रहे हैं कि तुम अपनी बेटी की ज़िंदगी में बर्बादी और परेशानियाँ लाई जा रही हो, उसके जरिए सुरंगें भरी जा रही हो, उस तरह से अगर तुम करोगे तो वो कभी भी आबाद नहीं रह पाएगी, ये सब कुछ सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। सामिया के वालदा यही कहेंगी अगर हमने शादी से पीछे हटे यानी हमने शादी ख़त्म करने की कोशिश की तो सब लोग हम पे ही गलतियाँ उठाएंगे, सब हम लोग हम पे ही उंगलियाँ उठाएंगे, यही कहेंगे कि हमें गलत है, हमारी इज्जत पे आंच आएगी, मेरी बेटी की इज्जत पे आंच आएगी, इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं चाहती। लेकिन ये सब कुछ सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे सामिया के वालदा, और उनको अचानक से बेहोशी हो जाएगी, यानी बेहोशी के आलम में वो चले जाएंगे, उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। ड्रामा से कुछ अन कहीं नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है ड्रामा, आपको ड्रामा से कुछ अन कहीं में जो सानिया है सामिया की शादी सैफ से हो जानी चाहिए, आपने अपनी किन तरह का इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे सी व्यूअर्स, दिल की ख्वाहिशों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से या कुछ अनकही की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल की चीज़ से भरपूर होने वाली है। आज की डे मैं आपको ड्रामा से या कुछ अनकही की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से कुछ अनकही की स्टोरी अब नाज़रीन नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ट्विस्ट आने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे कि अब जो आलिया है वो यही चाह रही है अपनी बहन के लिए कुछ स्टैंड ले, क्योंकि वो उसकी बहन जो है वो सामिया कुछ बोलती ही नहीं है, वो बिल्कुल चुपचाप खामोश है और जैसे उसकी वालदा कह रही है वैसे ही कर रही है। यानी सैफ से शादी करने के लिए राजी भी हो गई है, मेहंदी का फंक्शन तो हो गया है, लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा मसला आ गया है। यानी कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से जो सामिया के वालिद हैं बड़ी टेंशन में आ गए हैं, जिसके बाद सामिया अपने वालिद के पास आती है, यही कहती है कि प्लीज़ आप किसी से कुछ मत कहिएगा क्योंकि इस तरह से घर में और मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। सामिया ये जानती है कि उसकी वालदा शादी करना चाहती है, अगर उसे कुछ इससे सिचुएशन बन गई तो उसकी वालदा कुछ कल फलाको हो ना जाए, इसलिए सिर्फ चुप और खामोश है। लेकिन आलिया इस बात पर बिल्कुल भी खामोश नहीं रहेगी, जिसके बाद आलिया यही कहेगी सामिया से कि सामिया तुम्हें क्या हो गया है, मुझे पता है कि तुम किसी से कुछ नहीं कहो, कम से कम मुझे तो बता दो। लेकिन सामिया यही कहेगी कि इज्जत का सवाल है और अगर ये सब कुछ हो गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, मैं इस तरह से नहीं चाहती कि हमारे पेरेंट्स की जो इज्जत है वो खाक में मिल जाए। जिसके बाद सामिया की वालदा भी यही कहती हैं आलिया से कि आलिया तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आलिया अपने वालदा से यही कहती है कि अम्मी आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा, सामिया ना कुछ बोलेगी अगर उसका गलत भी हो गया, ना वो कभी किसी से कुछ शिकायत करेगी और ना ही अपने लिए कुछ बोल पाएगी, इसलिए हमें उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। जिसके बाद सामिया के वालिद बड़े टेंशन में आ जाएंगे, वो ये सब कुछ बात करने के लिए अपने दोस्त से बात करेंगे इस बारे में, यही कहेंगे अगर जान जाती है फिर इज्जत जाती है, दोनों कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ आलिया बहुत परेशान हो गई है अपनी बहन सामिया के लिए, क्योंकि सामिया ये सब कुछ कहना ही नहीं चाह रही, लेकिन सामिया एट दी एंड सैफ को फ़ोन करे हुए यही चाहे कहेगी कि तुम आखिर क्या कहते हो, तुम्हारी मर्जी इसमें शामिल है कि नहीं शामिल, मुझे खुलकर तुम बता दो। एट दी एंड नासिन आप देखेंगे सैफ भी अपनी मर्जी बता देगा सामिया को। जबकि दूसरी तरफ सामिया के वालदों को सब यही कह रहे हैं कि तुम अपनी बेटी की ज़िंदगी में बर्बादी और परेशानियाँ लाई जा रही हो, उसके दिल में सुरंगें भरी जा रही हो, उस तरह से अगर तुम करोगे तो वो कभी भी आबाद नहीं रह पाएगी, ये सब कुछ सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। सामिया के वालदों यही कहेंगी अगर हमने शादी से पीछे हटे यानी हमने शादी ख़त्म करने की कोशिश की तो सब लोग हम पे ही गलतियाँ उठाएंगे, हम लोग हम पे उंगलियाँ उठाएंगे, यही कहेंगे कि हमें गलत है, हमारी इज्जत पर आँच आएगी, मेरी बेटी की इज्जत पर आँच आएगी, इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं चाहती। लेकिन ये सब कुछ सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे सामिया के वालदा, उनको अचानक से बेहोशी हो जाएगी, यानी बेहोशी के आलम में वो चले जाएंगे, उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। ड्रामा से कुछ अनकही नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है ड्रामा। आपको ड्रामा से कुछ अनकही में जो सानिया है सामिया की शादी सैफ से हो जानी चाहिए, आपने अपनी कीमत रह इजहार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नए आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप सबने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।